हेलो स्टूडेंट, सच्ची द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 4 अप्रैल के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग फरवरी 2024 प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो यह अवार्ड जीता है मदी तलाल ने। यह पुरस्कार प्रशंसक मतदान और विशेषज्ञ वोट के संयोजन से निर्धारित होता है। 7 मार्च से 11 मार्च तक मतदान अवधि के दौरान तलाल को 4% प्रशंसक मतदान मिले, जबकि दिमित्री पेट्राटोस 48% के साथ आगे रहे। आगे है, विंध्या रानी देवी ने IWF भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता। विद्या रानी देवी ने कुल कितना पदक उठाया जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप में कांस्य पदक मिला? तो ये इन्होंने उठाया था 196 किलोग्राम वजन। उन्होंने कुल 196 किलोग्राम यानी कि स्नैच में 83 किलोग्राम और क्वीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर कोरिया के कांग होन ग्योंग ने कुल 234 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। रोमानिया की कैम्बेई मिहेला वेलेंटिना ने 201 किलोग्राम के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने नए CMD होंगे संतोष कुमार झा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड किन क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है? तो यह सेवाएं प्रदान करता है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में। अब जान लेते हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेल मंत्रालय ने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। रेल मार्ग भारत के महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों के तटीय जिलों को कवर करता है। ट्रेनों का पूर्ण संचालन 26 जनवरी 1998 को शुरू हुआ। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली यात्री ट्रेन 20 मार्च 1993 को उडुपी और मैंगलोर के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबरा रस जिसका हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थी? तो यह प्रसिद्ध थी सिनेमा क्षेत्र से। रस ने 1954 में इट केम फ्रॉम आउट स्पेस में अपनी भूमिका के लिए सबसे होनहार नवागतक के रूप में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कार्तिक कोमरी को किसके क्षेत्र के में राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार 2024 में विशिष्ट प्रवासी दंत विशेषज्ञ उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया है ऑर्थोडोन्टिक्स और ऑरोफेसियल दर्द के क्षेत्र में। यह पुरस्कार समारोह मुंबई के द क्लब में आयोजित हुआ जिसमें दिया मिर्जा मुख्य अतिथि थी। राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार का आयोजन ब्रांड्स इम्पैक्ट द्वारा व्यक्तियों को और संगठनों को उनके संबंधित क्षेत्रों में प्रसिद्ध और सकारात्मक योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए एसोकेम अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह का स्थान कौन लेगा? तो इनका स्थान लेंगे संजय नायर। वह स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह का स्थान लेंगे जिन्हें एसोकेम के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। नायर अपने साथ वैश्विक वित्तीय और पूंजी बाजार में 4 दशकों का अनुभव लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप टेक स्टार्टअप एवग्रेड ने DRDO की डेयर टू ड्रीम 4.0 प्रतियोगिता में जीत हासिल की। DRDO प्रतियोगिता में एवग्रेड का विजयी नवाचार किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह संबंधित था काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी से। एवगार्ड कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र प्रबंधन के लिए AI संचालित
ऑब्जेक्ट सेंसिस में माहिर हैं, जो ड्रोन और ड्रोन के झुंड के लिए जवाबी उपायों को लक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स विभाग के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो यह पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल जे एस सिदाना ने। से पहले उन्होंने मध्य कमान मुख्यालय में ईएमई के मास्टर जनरल के रूप में कार्य किया और एक आर्मी बेस वर्कशॉप और ईएमई सेंटर की कमान संभाली। रक्षा मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इंटरनेशनल ने 1 अप्रैल 2024 में राजीव सिंगल को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। राजीव सिंगल ने टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे सफलता दिलाई? तो ये सफलता दिलाई है आनंद सेन को। एमडी के रूप में सिंगल की नियुक्ति 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। अपनी नई भूमिका से पहले सिंगल टाटा इंटरनेशनल में कार्यकारी निदेशक और पूर्व परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 6.6%। यह वृद्धि पूर्वानुमान 6.4% के पिछले अनुमान से अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में अनुमानित वृद्धि 7.5% से घटकर इस वित्तीय वर्ष में 6.6% होने की उम्मीद है। 2024 में दक्षिण एशिया में कुल मिलाकर 6% की वृद्धि होने का अनुमान है। भारत इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।